প্রকৃত মুসলমান নহয় নেকি শাহরুখ খান? ভিসা বাতিল করিব লাগে হেনু শাহরুখ খানৰ। পঠান সিনেমাক লৈ এইবাৰ আপত্তি উলেমা বৰ্ডৰ। শাহরুখৰ বিষয়ে কি কৈছে উলেমা বৰ্ডৰ অধ্যক্ষ সকলো শুনাম। প্ৰথমে দেখুৱাই লৈছো শাহরুখ খানৰ কেইখনমান ফটো। অর্ধ উলঙ্গ অবস্থাত শাহরুখ খান। পাঠান সিনেমার ফটো কেইখনত দেখা গৈছে নাচ গান কৰি থকা। কিন্তু আপত্তি উলেমা বোর্ডৰ অধ্যক্ষ সৈয়দ আনাস আলী, প্রকৃত পাঠান সকলে এনেদরে অশ্লীল বা অর্ধ উলঙ্গ হয়ে নাচ গান নকরে বুলি প্রকাশ করে। इस वक्त पूरे मुल्क में जिस तरीके से शाहरुख खान की एक फिल्म पठान के ऊपर एक विवाद मसला चल रहा है, मेरा सिर्फ ये कहना है, कई फोन मेरे पास आए, लोगों ने मुझसे कहा भी, कई मुस्लिम संगठनों ने एतराज भी जताया। शरई रूप से मैं जो बात इस्लामिक नुक्ता नजर से ये बताना चाहता हूँ कि शाहरुख खान जो है वो अभी हाल ही में उमरा करके वापस आए हैं। उन्होंने अपने फोटोज भी वहां पे वायरल किए, अपलोड किए सोशल मीडिया के जरिए और सबको ये बताया। तो ये और यहाँ आने के बाद पठान एक कास्ट है जो मुस्लिम कम्युनिटी से आती है, बड़े गयूर कौम है पठानों की और बड़े अच्छे उनके खान अब्दुल गफ्फार जो है वो जो थे एक फ्रीडम फाइटर थे। पठानों की एक बड़ी तारीख रही है, उन्होंने ऐसे अय्याश नाचने गाने वाले पठान कभी नहीं गुजरे पठान कौम के अंदर। जिस तरीके से पठान मूवी के अंदर ये जो अश्लीलता फैलाई जा रही है, जिस तरीके से नंगापन दिखाया जा रहा है, इस्लामिक नुक्ते नजर से सरासर गलत है। ये दोहरी पॉलिसी है, इसको निफाक कहते हैं कि कहना कुछ और है, अमल कुछ है। एक तरफ आप बता रहे हैं पूरे दुनिया को कि आप उमरा कर रहे हैं, आप बड़े नेक हैं, बड़े इस्लाम को फॉलो करने वाले, दूसरी तरफ आपकी ज़हनियत ये है कि इस्लाम का, मुसलमानों का, पठानों का तारुफ आप इस तरीके से करवा रहे हैं। क्या ये खुदा न खास्ता ये कौम नाचने गाने वाली है? तो इसलिए मेरी तो गुजारिश ये है कि उनको कलमा पाऊना चाहिए दोबारा, शाहरुख खान को, और हज कमेटी से भी मैं कहूंगा, जो उमरा के लिए भेजते हैं उनसे भी कहूंगा, एमबीसी से भी कहूंगा कि ऐसे लोगों के भी वहां का वीजा इनको मिलने की कतई इजाजत नहीं होनी चाहिए। और मैं तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा कि ऐसी मूवियों का, ऐसी फिल्मों का सभी लोग विरोध करें, पूरी कौम हमारी, क्योंकि यहाँ पे लाखों करोड़ों मुसलमान रहते हैं, इनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया गया। इस्लाम का एक जो परिचय कराया गया है, मुसलमानों का जो परिचय कराया गया है, पठानों का जो परिचय कराया गया है, वो सरासर गलत है। इस तरीके के ना हम होते, ना जो है इस्लाम इस बात की इजाजत देते। শাহরুখৰ ভিসা বাতিলৰ প্ৰসংগ আনিলে উলেমা বৰ্ডৰ অধ্যক্ষ সৈয়দ আনাস আলীয়ে। ছবিখনত পাঠানসকলক ভুলকৈ উপস্থাপন কৰা হৈছে বুলিও অভিযোগ আনে। উলেমা বৰ্ডে পাঠান চিনেমাখনক লৈ আপত্তি কৰাৰ উপৰিও এই ছবিখন চিনেমাঘৰত মুক্তি নিদিবলৈ একাংশ হিন্দু মুছলমান দলে প্ৰতিবাদ কৰে দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত। নিউজ ডেস্ক, Time 8.